दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 100 सीसी मार्केट में आपके लिए कौन सी बाइक सबसे बेस्ट है। दोस्तों 100 सीसी सेगमेंट में सबसे तगड़ा कंपटीशन बजाज प्लेटिना, बजाज CT 100 और TVS स्पोर्ट का है। तो आज हम इनको कंपेयर करने वाले हैं और मैं आपको बताऊँगा कि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए इनमें से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, इसलिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है जिससे आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं स्पेसिफिकेशन बेसिस पर। तो दोस्तों बात की जाए कंपनी क्लेम माइलेज की, तो TVS स्पोर्ट में कंपनी क्लेम करती है 95 KMPL का माइलेज। प्लेटिना 100 सीसी कम्फर्टेक में कंपनी क्लेम करती है 104 KMPL का माइलेज और CT 100 में कंपनी क्लेम करती है 99 KMPL का माइलेज। तो दोस्तों अगर आपको रियल माइलेज जानना है तो आप उसकी माइलेज टेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है वीडियो की। तो अब हम बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो TVS स्पोर्ट में आपको मिल जाएगा 12 लीटर का फ्यूल टैंक, प्लेटिना 100 सीसी कम्फर्टेक में मिल जाएगा आपको 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक और CT 100 में आपको मिल जाएगा 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक। बात की जाए इंजन की, तो TVS स्पोर्ट में आपको मिलता है 99.7 सीसी का इंजन, प्लेटिना 100 सीसी कम्फर्टेक में मिलता है 102 सीसी का इंजन और CT 100 में आपको मिलता है 102 सीसी का सेम इंजन बजाज का। और बात की जाए पावर की, तो TVS स्पोर्ट में आपको 7.8 PS का पावर मिलता है 7500 RPM पर, प्लेटिना 100 सीसी में आपको मिलता है 7.9 PS का पावर सेम 7500 RPM पर और CT 100 में आपको मिलता है 7.7 PS का पावर 7500 RPM पर। और दोस्तों यहाँ पर तीनों ही बाइक्स में आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर तीनों ही बाइक्स में इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाली वेरिएंट अवेलेबल है मार्केट में। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इनमें से कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट है। तो नंबर वन, माइलेज इज़ ओनली प्रायोरिटी। दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ माइलेज है, अगर आपको एक बेहतर माइलेज वाली बाइक चाहिए है जो आपको बहुत अच्छा माइलेज दे, तो CT 100 एक बहुत अच्छी चॉइस है। ये बाइक आपको 90 KMPL का माइलेज बहुत आराम से दे देगी अगर आप इस बाइक को अच्छे से राइड करते हैं एवरेज स्पीड पर। नंबर टू, बेस्ट माइलेज एंड 50 to 60 किलोमीटर रन डेली। दोस्तों अगर आपको एक बाइक चाहिए जो आपको माइलेज भी दे और आप उससे 50 to 60 किलोमीटर रन डेली कर सकें, तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कंफर्ट प्लस माइलेज। क्योंकि अगर आपको 50 to 60 किलोमीटर रन डेली करना है तो कंफर्ट एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे बेहतर है प्लेटिना कम्फर्टेक, ये एक बहुत ही कम्फर्टेबल बाइक है 50 to 60 किलोमीटर रन डेली करने के हिसाब से और इसमें आपको 80 KMPL का माइलेज आराम से मिल जाएगा। तो नंबर थ्री, लो मेंटेनेंस माइलेज बाइक। दोस्तों अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो और वो एक माइलेज बाइक हो, तो उसका नाम है TVS स्पोर्ट। TVS स्पोर्ट एक बहुत ही बेहतर बाइक है लो मेंटेनेंस मामले में। इसको आप कैसे भी चलाओ ये आराम से 70 to 80 KMPL का माइलेज दे देती है और दोस्तों रस राइडिंग पर भी ये मेंटेनेंस नहीं मांगती है। दोस्तों इसकी एक ख़ास बात कि ये बाइक बहुत ही बेहतर हैंडलिंग के साथ आती है, इसको आप कैसे भी चला सकते हैं और इसका माइलेज कम नहीं होगा 70 to 80 KMPL से और आपको ये बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आप इन तीनों बाइक में से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट बाइक को पिक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की अलग अलग सीसी सेगमेंट की कॉम्पिटिटर बाइक्स को कंपेयर करके आपके लिए बेस्ट बाइक बताऊँ, तो येस कमेंट जरूर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.